आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट लंच रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप लंच के लिए कुछ अच्छा सा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू मसाला राइस। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और इसके साथ हम बनाएंगे मिक्स वेज रायता, जो कि इस मसाला राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। ये भी बनाने में बहुत ही आसान है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 ग्लास बासमती राइस। आप कोई भी बासमती राइस ले सकते हैं, कप के मेजरमेंट के हिसाब से ये 1.5 कप राइस है। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो देखिए 10 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल चुके हैं। अब चलिए इसका पानी निकाल देते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका पानी निकाल दिया है, अब इसे कुकर में डाल लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 ग्लास चावल लिए थे, उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें 2 ग्लास पानी डालूंगी और इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। तो जब तक हमारे राइस पक रहे हैं तब तक हम आलू मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े साइज के टमाटर। इसे मैंने मिक्सर में पीस के इसकी प्योरी बना ली है। और यहाँ लेंगे 1 बड़े साइज का ऑनियन, जिसे कि अच्छे से मैंने चॉप कर लिया छोटा छोटा। 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं, इसे भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और 1 चम्मच लिया है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 2 बड़े चम्मच फ्रेश पालक। आलू मसाला बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई में ले रही हूँ 1/4 कप ऑलिव ऑयल। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फ्लेम को रखिएगा मीडियम। तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा ब्राउन होने तक भून लेंगे। जीरा भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसे भी ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। कंटिन्यूसली चलाते रहना है। प्याज देखिए अच्छे से भून चुका है, ब्राउन कलर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्योरी और अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, नमक अपने स्वाद के अनुसार। यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है। तो इन मसालों को अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें 2 बड़े चम्मच पानी ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे ढक के। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, मसाला थोड़ा सा पक चुका है लेकिन अभी अच्छे से नहीं पका है। अभी इसे फिर से ढक के हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखिए मसाले को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अभी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पालक ऐड कर देंगे और पालक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे आपको ढक के 10 से 12 मिनट तक पकाना है, जब तक कि हमारे जो आलू है वो थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं। आप इसे बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो जब तक हमारा आलू मसाला बन रहा है तब तक हम रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक चॉपर में ले रही हूँ 1 स्मॉल साइज का टमाटर, 1 स्मॉल साइज का ऑनियन। इन सभी को मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और 1 छोटे साइज का खीरा। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे नाइफ से भी छोटा छोटा कट कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। 1 छोटी हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब इसे चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी सब्जियां अच्छे से चॉप हो चुकी हैं, एकदम बारीक। रायते के लिए हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए।
आप टमाटर और खीरे को कद्दूकस भी कर सकते हैं, बस प्याज को कद्दूकस मत कीजिएगा नहीं तो वो पानी छोड़ देगा। तो अब रायते के लिए मैं यहाँ पे एक कप फ्रेश कर्ड ले रही हूँ। इस दही को हम थोड़ा सा मथ लेंगे। ये देखिए दही अच्छे से स्मूथ हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे आधा बड़ी चम्मच भुने हुए जीरे का मसाला, आधी बड़ी चम्मच काला नमक, और अब इसमें डाल देंगे जो सब्जियों को हमने चॉप किया था ना उसे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा रायता बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये रायता, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए रायते को सर्व कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे भुना हुआ जीरा, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और चॉप किया हुआ पुदीना। ये देखिए हमारा मिक्स वेज रायता रेडी है, और ये देखिए दूसरी तरफ हमारे मसाला आलू भी रेडी हो गए हैं। देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है और आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब गैस को कर देते हैं ऑफ। और ये देखिए राइस भी हमारे पक चुके हैं। अब जो हमने आलू मसाला रेडी किया था ना, इसके अंदर हम ये राइस डाल देंगे। इन्हें इस आलू मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को आपको फिर से ऑन कर देना है और एकदम लो फ्लेम पे रखना है, और इस आलू मसाले के साथ राइस को अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसे कम से कम एकदम लो फ्लेम पे आपको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है। इसको ढकना नहीं है ताकि जो राइस है उसमें आलू मसाले का फ्लेवर अच्छे से चला जाए। अब इसमें डाल देंगे हम फ्रेश हरा धनिया। तो हमारे आलू मसाला राइस रेडी है। अब चलिए इन्हें भी सर्व कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आलू मसाला राइस सच्ची में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी मुझे आप कमेंट कीजिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।